Good evening, sir. Oh, good evening. Then, you are also funded, get much money. Your name where? My name is Chunu Tudu. Good evening, Your Excellency, Honorable President of India. Your Excellency, my name is Prashant Chetri. Today I, along with other students, feel lucky and privileged as we got this great opportunity to meet you. Indian Army is taking us for the tour. We will stay here in Delhi for 3 days, then we will visit places in Jaipur. After that, we will be going to Ajmer, followed by Udaipur. We look forward to learn new things from this memorable tour. Thank you. Jai Hind. प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी की मदद से आपको देश के कुछ हिस्सों में जाने का मौका मिल रहा है। जिस यात्रा पर निकले हुए हैं उसका नाम दिया गया है नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सब एक नेशन की बात करते हैं। इसको हमने स्टेट इंटीग्रेशन नहीं कहा। अगर स्टेट इंटीग्रेशन कहा जाता तो शायद आपने अभी आपका जो प्रदेश है असम, वो भी पूरी तरह से सभी जिलों में आपका जाना नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। नेशनल इंटीग्रेशन बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे लगता है एक आपकी मातृभाषा जो आपकी असमीज होगी और उसके अलावा दो भाषाओं का सीखना और ज़रूरी है। आपके ही बीच के कई बच्चों ने अंग्रेजी में बात की, एक आपके साथी ने हिंदी में बात की, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी बहुत जानकारी आपको, आप सभी को असमीज के अलावा हिंदी की भी है और अंग्रेजी की भी है। बात सच है ना? हिंदी भी थोड़ा जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं। अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है। ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ये दो भाषाएं बहुत ज़रूरी है। ओनली देन यू कैन थिंक ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ओनली देन यू कैन लिंक योर सेल्फ विद दी फेलो सिटीजन्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो। ये आप सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपको इस एज में आपको हवाई जहाज में सफ़र करने का मौका मिला। लोगों को, आपके अपने प्रदेश के लोग होंगे, आपके अपने ज़िले के लोग होंगे, आपके अपने परिवार के लोग होंगे, जिनको कि शायद कभी ट्रेन में बैठने का भी सौभाग्य नहीं मिला होगा, रेलगाड़ी में भी चलने का, कि जो आपकी राजधानी चलती है डिब्रूगढ़ से दिल्ली तक आती है उसमें भी बैठने का नहीं मिला होगा। मिला होगा तो किसी न किसी ट्रेन में, लोकल ट्रेन में मिला होगा। आप लोग इस दृष्टि से बहुत फॉर्चुनेट हैं, आर्मी ने आपको मदद की है, लेकिन आप सब में आपका सबका सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि बताया गया, आपके टीचर महोदय ने बताया गया, मिस्टर पांडे ने बताया, कैप्टन पांडे, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि आप सबको एक क्लास से ले लिया गया, सबको सिलेक्ट किया। यू हैव बीन सिलेक्टेड ऑन योर मेरिट्स, और मेरिट्स आप में है। इस मेरिट्स को आगे ले जाने के लिए जिन दो लैंग्वेजेस का हमने बात किया है असमीज के अलावा, उन लैंग्वेजेस पर भी आप सबको कंसंट्रेट करना है। और जिस मकसद से आप निकले हैं, मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अगर इसमें आप डिसिप्लिन्ड होकर के कुछ सीखेंगे, इन अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, आपके जो को स्टूडेंट्स हैं, आपके जो विलेजेस के हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, सबके साथ शेयर करेंगे, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है कि आर्मी आपको इसी के बेस पर आगे फिर कभी
कोई दूसरे प्रदेशों में भी ले जाने की व्यवस्था करेंगे। आप सब लोग यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जय हिंद।